हमने ले लिया 19 मॉडुलस और 3 और इसका आउटपुट आया था 1। ओके बेटा ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया माइनस का 19 मॉडुलस और 3, आउटपुट क्या आएगा? एनी आइडिया बताओ, फिर मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। भैया 2 2 आएगा, 2 भाई आउटपुट नंबर लाइन से शो करेंगे और इसमें आया 2। अच्छा प्लस और माइनस ये भी समझ में आ रहा होगा, जब मैंने भी बताया ना लास्ट वाली वैल्यू प्लस तो आंसर प्लस ही आना है कुछ भी हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा माइनस का 19 और मैं उसका मॉडुलस कर रहा हूँ 3 से, तो आंसर मेरे पास आया था 2। ठीक है, समझ रहे हैं आपको ये वाला आंसर। अब बात करते हैं, अब माइनस लेते हैं, हमने लिया 9, नेक्स्ट आते हैं 19 और मॉडुलस और बेटा लिया माइनस 3, आंसर किसका आएगा? अब ये क्लियर है कि माइनस में आंसर आएगा। अब माइनस, हाँ माइनस 1 माइनस 1 और ये आ गया माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 19 मॉडुलस मैंने लिखा माइनस 3, दैट विल बी द आंसर इन माइनस 2। ओके ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 19 प्लस, ये से ऐसे याद नहीं कर सकता, अगर माइनस हुआ तो एक बढ़ा के देगा माइनस वन। हाँ जुगाड़ तो लगा सकती हो कुछ भी। अबे कहाँ आ गए हम, बहुत बढ़िया तो सार भाई बहुत। जो एक ये हो गया 19 by 19 mod 3, ठीक है, और माइनस 19 हो गया। ओके आप कौन सा लेना है, माइनस का 19 हो गया, प्लस का 19 हो गया, प्लस का 3, प्लस का 3, अच्छा माइनस का 19, ठीक है, इस तरीके से लेंगे मोड और माइनस का 3, ये वाला रहेगा कंसेप्ट, है ना। आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि बी नेगेटिव है। देखो आपका आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है, माइनस का 19 मोड माइनस 3, दैट विल बी द आंसर माइनस 1। ओके मैं दो चीजें दोबारा बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बी की वैल्यू, ओके बी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा होगा दोनों केसेस में, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ये सिर्फ रिजल्ट को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज क्लियर। अब ए की वैल्यू दो केसेस है, नेगेटिव और पॉजिटिव बेटा, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था अभी, जैसे अभी बताया नेगेटिव वाले केसेस में क्या लेना है, राइट साइड में चलना है, तो नेगेटिव वाले केसेस में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे राइट साइड में, और पॉजिटिव वाले में लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये रहा आपका बीच में 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन मूव कर सकते हैं, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15 और माइनस का 20। ठीक है, पहले इसको देखते हैं 19 एंड 3, आपका यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, दैट वुड बी क्लियर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसका और कोई यूज नहीं है बी का। ओके अब 3 से डिवाइड करना है इसको, आपका ए की वैल्यू पॉजिटिव है, आप इधर आ जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है, तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, 3 से जैसे 19 पे आगे चलेंगे भाई, 19 यहीं कहीं पे रिसाइड करेगा इस तरीके से यहाँ पे। ओके और यहाँ पे रिसाइड करने की वजह से अब हमें इसमें लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है ना, इसमें 19 यहाँ आ गया। ओके और 3 से हम डिवाइड करें, 3 6 18 होता है, 3 से डिवाइड करें तो 3 6 18 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 18 डिवाइड करने के बाद, रिसाइड कर रहा है 19, इसको डिवाइड करना है और इसके लेफ्ट में, अच्छा ठीक है बेटा देखो इस केस में क्या होगा भाई, 3 के टेबल में 18 रिमाइंडर निकालना है ना, तो लेफ्ट वाला रिमाइंडर तो 1 बचा ना बस, प्लस का 1। ओके ओके और अगला जो होगा 3 6 18 3 7 21 आगे जो वैल्यू डिविजिबल होगी वो 21 होगी। थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई जल्दी, इसको तो नॉर्मल समझ सकते हो, 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 पे कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1, इज इट क्लियर भैया? चलो अब देखो माइनस 19 वाले को समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज फिक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये बात क्लियर। आगे चलते हैं, ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई भाई साहब, ए की वैल्यू नेगेटिव तो मतलब राइट साइड वाला लेना। अब नंबर लाइन पे अपोजिट चलेंगे, यहाँ पे पहले आएगा माइनस 18 जो 3 से कट जाएगा और हमें रिमाइंडर लेना है, और रिमाइंडर लेना है यानी कि हमें अब की बार, मैंने उसमें पीछे वाले केस में बताया, देखो हमारा देखने पर ये वाला हिस्सा राइट है
बट इसमें अपोजिट लिया जाएगा लेफ्ट, और ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट है तो इसमें अपोजिट लिया जाएगा राइट। ओके, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3 6 18 तो 19 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, माइनस 19, और वो अगली वाली टर्म जो है 21 से कितना दूर है, दो वैल्यू दूर है, तो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी 2। ऐसे करना है, और सेम यही कंसेप्ट इसमें भी चलेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ वैल्यू माइनस में हो जाएगी। आ रहा है थोड़ा समझ में? अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, नंबर लाइन बना लो अपनी कॉपी पे छोटे छोटे टर्म्स में, और मुझे आंसर बताना, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए अगर समझ में आ गया तो, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। चलो जैसे बताना है, हमने लिया माइनस का 9 और मॉडुलस 2, बताओ भाई आंसर क्या आएगा, सब लोग अपने एक्सक्यूज दो इसमें, क्या आंसर आएगा? कितना आएगा भैया? 1, खाली 1 भैया, खाली 1। डी की वैल्यू पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, दैट मींस आंसर तो प्लस में आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ए की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नंबर लाइन में अपोजिट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो देख रहे हो ना आप, नेगेटिव मतलब वो क्या कर रहा है, वैसे तो ये ना माइनस 2 के पहाड़े में माइनस 1 ही रहना भाई इसमें तो, क्योंकि 2 8 4 8 और 2 5 10, चाहे राइट ले चाहे लेफ्ट ले, आंसर तो 1 ही आना है इसमें, तो इसका तो 1 ही आना है, ठीक है। दूसरा हार्ड सा क्वेश्चन देते हैं, जिसको नहीं समझ में आया प्रैक्टिस करते रहो भाई। अब ले लेते हैं हम, चलो 15 ले लेते हैं, 15, और हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 15 है, माइनस 15 मॉडुलस माइनस 6, व्हाट विल बी द आंसर, बताओ बेटा? -3 भैया, -3। अरे वाह, और कोई किसी का कुछ अलग आ रहा है लक्ष्य, समझ में नहीं आई कहानी? अब तक तो प्लस माइनस पढ़ रहे थे, वो तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वो तो हो ही गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। क्या आंसर आया अभी कृष्ण, क्या बताया आपने? -3 ये बताया था, ठीक है। देखो जिसको अभी भी थोड़ा डाउट है एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इसको बनाते हैं इधर, देखो दोबारा से, माइनस का 15 मॉडुलस -6 है, आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो अपना आंसर लिख लो माइनस का। अब माइनस की 15 टर्म्स में जाना है, तो यहां से 6 से डिवाइड करेंगे, देखो नंबर लाइन ना आप 0 1 नहीं बनाना, ऐसे बनाना 0 फिर 6 फिर 12 और फिर बनाना 18, ठीक है, इस तरीके से माइनस के आगे। अब आपने देखा भाई माइनस का टर्म है, माइनस आंसर आएगा, अब 6 से इसे डिवाइड करेंगे माइनस का 15 को, तो 6 2 12 6 3 18 आके, यानी कि 15 कहीं यहाँ पे रिसाइड करेगा 15, ठीक है। आपको वैसे ऐसा तुक्का लग सकता है, यहाँ पे भी देखो 15 से इसको डिवाइड माइनस करोगे तब भी 3 बच रहा है, इधर भी और इधर भी 3 बच रहा है, तो दिमाग में इतना तो आ जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो आंसर जब दिख पता है आउटपुट माइनस में आ रहा है और यहाँ दोनों साइड डिफरेंस 3 है तो फटाफट से लिख दो दैट इज 3, सोचना ही नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जिनमें सोचना ही नहीं पड़ा, अभी भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा, और करते हैं चलो, लाइक 27 मॉडुलस माइनस 4, बताओ व्हाट विल बी द आंसर? भैया -1। और कोई, सब लोग बताएं, बाकी सब कंफ्यूजन हो गए, क्या कंफ्यूजन है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताओ भाई? एक ही वैल्यू ये बताएंगे, बाकी लोग लक्ष्य भी बता दो भैया, समझना है अभी जब ऑफलाइन क्लास होगी वहां पे भी समझना। हमने क्वेश्चन लिखा है 27 मॉडुलस -4, ठीक है भैया तुषार, समझना इतना है, ये बी है आपका, ये ए है आपका, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दी हुई है, ठीक है, आपको यहाँ शॉर्ट में लिखा नेगेटिव, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो फिक्स कर दो कि वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर, अब आउटपुट तो पता चल गया नेगेटिव आएगा, अब कितना आएगा वो चेक करना है भाई, 4 वाली टर्म है ना, तो 0 4 1 4 4 2 8 ऐसे बनाएंगे 12 16 20 24 और यहाँ पे आ जाएगा कहीं 28, ओके। अब आपने देखा यहाँ पे आपका 27 तो यहाँ कहीं फिट हो रहा होगा, ये रहा आपका 27, ठीक है। अब देखो नॉर्मल समझाता हूँ, आप जब इसे डिवाइड करोगे आपके पास 2 रिमाइंडर है,
या तो माइनस वन रिमाइंडर एक 28 की तरफ से लेंगे तो माइनस वन है, ठीक है, और 20 इसकी 24 की तरफ से लेंगे तो 24 की तरफ से लेंगे तो प्लस का 3, यहाँ पे दो रिमाइंडर आपके अराइज हो रहे हैं, ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 1। लेना कौन सा है? लेना बताता है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कौन सी टर्म लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और सॉरी राइट लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखवाया है, इसको याद रखना पड़ेगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेफ्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने बताया अभी ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या लेंगे, टर्म लेफ्ट साइड से लेंगे। अब आपके लेफ्ट में कौन सा है, आप इसमें इस साइड तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि लेफ्ट में ये वाला लेफ्ट है हमारा, ये वाला, और ये वाला पोर्शन राइट है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा, ठीक है, सॉरी माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 3 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ओहो माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, एक मिनट, उल्टा लिख दिया था क्या इसमें मैंने, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेफ्ट लेंगे, आंसर तो वैसे ही आ रहा है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर डिवाइड करते हैं, अगर नीचे माइनस की वैल्यू होती है तो इसका माइनस साइन ऊपर वाली वैल्यू पर चला जाता है। अच्छा ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करने पे ऐसे सोच रहे हो ना, तुम 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 दिन 27, तो बेटा फिर -3 नहीं बचेगा। हाँ भैया चलो कोई नहीं, टेंशन ना लो, फिर ऑफलाइन में इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझा देंगे, ठीक है, अब ज्यादा वो करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, चलो और इजीली समझाएंगे कुछ और कंसेप्ट ये ट्रिक वाले से हिसाब से, ठीक है, चलो करके बात करते हैं, ठीक है, हाँ भैया, हाँ नेक्स्ट आता है जल्दी से इसको, एक तो ऑपरेटर वो कर लेते हैं बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर ये किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। आगे लिख देता हूं मैं इसके बारे में, और लिखना है कॉपी में वेल मेंटेन, लिख लेना, टू इनिशियलाइज द वैल्यू, ओके, टू इनिशियलाइज द वैल्यू, ओके, टू इनिशियलाइज द वैल्यू, लाइक मैं समझा दूं, जैसे पाइथन के अंदर ना बेटा एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज, इस बात को अभी समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। निखिल क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बता भैया, हाँ भैया निखिल क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वी कैन यूज इट टू डिफाइन और इनिशियलाइज द वैल्यू, ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे, इसका जो सिंबल है वो इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू यूज करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल करके बताऊं, ध्यान से समझना भाई, मैंने लिखा ए और एंटर मार दिया तो एरर आ गई नॉट डिफाइन, ध्यान से समझना है, ए लिखा और एंटर कर दिया, इट इज नॉट डिफाइन। अब मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 4 लिख दिया, ठीक है, यानी कि मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी 4 किसके अंदर, ए के अंदर। अब जैसे ही आप a लिखोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, और पूरे जब तक आप इसमें देखो चेंज भी कर सकते, आपने a लिख के फिर लिख दिया 8 और एंटर करके अब 8 a प्रिंट करोगे तो अब आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो इक्वल टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो आपका क्या करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ये 8 जो है ये टर्म इस a वैल्यू के अंदर स्टोर हो गई, जैसे आप समझ सकते हैं दैट इज योर a, ओके, और इसको आपने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया मेमोरी में, और वहां पे 8 एक इंटीजर स्टोर हो गया। बाइट्स में देखोगे तो आपको पता है 2 बाइट लेता है, इतना डेटा ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो आया समझ में भाई असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मेन वो होता है ना सिर्फ वैल्यू स्टोर करना, हाँ बस इसका मेन फंक्शन जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, जैसे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं आप, और जरूरी नहीं है इंटीजर वैल्यू ही ऑलवेज स्टोर करनी है, आप कोई कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने ए में लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू के लिख दिया, अब बताओ एरर है या ए में के की वैल्यू स्टोर हो गई भैया, अच्छा और कोई, निखिल कृष्णा एरर है, वेरी गुड, और कोई बताए शंकर क्या एरर है या स्टोर हो गई,
भैया होने तो स्टोर चाहिए भैया, के तो कांस्टेंट है। एरर क्यों आई? दोनों वेरिएबल हैं भैया, के तो कांस्टेंट होता है। नहीं, दोनों वेरिएबल हैं। आप देखो a इक्वल टू a लिखो, दैट इज नॉट एरर, है ना। सिंपल सी बात है, इक्वल चेक कर रहा है ना, चेक भी तो कर रहा है साथ में। अब k है यहाँ पे, k एक अनदर वेरिएबल है। आप a के अंदर k को स्टोर कराना चाहते हो तो आपको उसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा ऐसे, ओके। और अब आप a प्रिंट कराओगे तो अब आपका k प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी भैया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूँ अभी। ओके भैया। हाँ, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी बताते हैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को। हाँ, क्लास होगी मॉर्निंग में। हाँ भैया बताओ क्या भैया, पी लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग में लिखेंगे ना पी? हाँ बेटा, वो दोनों वेरिएबल ही तो है। देख मैं बताता हूँ, अभी बताया ना मैंने, ए लिखना है जैसे ए इज इक्वल्स टू, अगर पी लिखोगे तो यहाँ पे ये जो इक्वल ऑपरेटर है चेक कर रहा है क्या ए बराबर है पी के, वो तो है ही नहीं। लेकिन मैं एक तरीके से और बताता हूँ, मैंने ए में वैल्यू स्टोर कराई 4, ठीक है बेटा, और मैंने पी में भी वैल्यू स्टोर करा दी 4, ठीक है। अब आप ए इक्वल टू पी करोगे तब एरर नहीं आएगी, क्योंकि ए के अंदर भी 4 है और पी के अंदर भी 4 है। तो ये बिहेवियर आपको थोड़ा सा याद रखना है। बात समझ में आई? हाँ भैया। चलो ठीक है, और किसी का और डाउट है तो बताओ भैया। हाँ भाई लक्ष्य, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई बच्चों। ओके भैया। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, बाकी इसको मैं भेज दूंगा रिकॉर्डेड को।